नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। जून का महीना चल रहा है, गर्मी अब तीखी होने लगी है। ऐसे में तेज धूप आपकी स्किन के साथ सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि गर्मी के दौरान हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए जितना हो सके गर्मी से बचने की कोशिश करते रहनी चाहिए। इसके लिए अगर आप कुछ घरेलू उपाय आजमाएंगे तो ज़रूर आपको गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी से बचने के लिए आपको चाहिए कि सादा पानी का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि यह आपकी त्वचा को तरोताज़ा रखता है। आप अगर बहुत थकान महसूस कर रहे हैं तो पानी के छींटों से आप फ्रेश महसूस करने लगेंगे। इसके अलावा आप एक बॉटल में परफ्यूम की थोड़ी सी बूंदों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी मिला लें। स्प्रे बॉटल की तरह इसका इस्तेमाल करें, इससे भी आप रिफ्रेश महसूस करेंगे। तपती गर्मी से बीमार पड़ने से बचना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी से कई बार लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपको गर्मी के चलते बीमार होने से बचना पड़े तो इन घरेलू नुस्खों को ज़रूर आजमाएं, जैसे मूली, दही, नींबू, पुदीना और प्याज का सेवन करें। गर्म मौसम की तेज़ लपटों में कई लोग लू की चपेट में आ जाते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे, घर का कोई सदस्य व आप खुद ही इसकी चपेट में आए, तो आप इस मौसम में आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही ये भी जान लेना चाहिए कि लू लग जाने पर उसका इलाज कैसे करें और कैसे लू से राहत पाएं। आइए जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खे। खुले शरीर धूप में ना निकलें, खासकर खुले सिर व नंगे पैर धूप में बाहर कतई ना जाएं। अगर धूप में बाहर निकलना ही पड़े तो सिर पर कुछ न कुछ कोई कपड़ा अवश्य ढकें। आंखों पर सनग्लासेस लगाएं और हो सके तो सफ़ेद या हल्के रंग के कॉटन के कपड़े को ही पहनें। अचानक ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह ना जाएं, खासकर ऐसे में बैठे रहने के बाद तुरंत धूप में ना निकलें। कच्चा प्याज रोज खाएं। धूप में निकलने पर अपने पॉकेट में छोटा सा प्याज रखें, ये लू शरीर को लगने नहीं देती और सारी गर्मी खुद सोख लेता है। कूलर व एसी के सामने से हटकर एकदम से बाहर ना जाएं। गर्मी के मौसम में चाय, कॉफ़ी आदि गर्म पेय का सेवन अत्यंत कम कर देना चाहिए। साथ ही मसालेदार चीज़ें भी कम खाएं। गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए नींबू के रस में मिट्टी के घड़े अथवा सुराही के पानी का सेवन करना चाहिए। अत्यधिक बर्फ का पानी पीने से लाभ के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। गर्मी के दिनों में हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करना चाहिए। बाहर जाते समय खाली पेट नहीं जाना चाहिए। गर्मी के दिनों में बार बार पानी पीते रहना चाहिए, ताकि शरीर में जलीयांश की कमी नहीं होने पाए। पानी में नींबू व नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार पीते रहने से भी लू नहीं लगती। गर्मी के दौरान नर्म मुलायम सूती कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हवा और कपड़े शरीर के पसीने को सोखते रहते हैं। गर्मी में ठंडाई का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। मौसमी फलों का सेवन भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है, जैसे खरबूजा, तरबूज, अंगूर इत्यादि। क्या करें जब हो जाए लू के शिकार? लू लगने पर मौसमी फल, फल का रस, दही, मट्ठा, जीरा, छाछ, जलजीरा, लस्सी, आम का पना पिए, ये या आम की चटनी भी आप खा सकते हैं। लू लगने पर तत्काल योग्य डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने के पूर्व कुछ प्राथमिक उपचार करने पर भी लू के रोगी को राहत महसूस होने लगती है। बुखार तेज होने पर रोगी को ठंडी खुली हवा में आराम करवाना चाहिए। 104 डिग्री अधिक बुखार होने पर बर्फ की पट्टी सिर पर रखनी चाहिए। ये थे कुछ हेल्थ से जुड़े घरेलू नुस्खे, जिनको आजमा कर आप गर्मी से बचाव कर सकते हैं। इसी तरह की हेल्थ की सभी अपडेट्स पाते रहने के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।